वेलकम टू माय चैनल। और आज हम सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करना सीखेंगे। ठीक है, अब क्या हमारे पास कि लीनियर इक्वेशन गिवन होंगी। लीनियर इक्वेशन का मतलब जो वेरिएबल की पावर होगी, ठीक है, पावर ऑफ ए वेरिएबल, ठीक है, एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी वेरिएबल्स, ठीक है, आर वन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कंसीडर थ्री लीनियर इक्वेशन, ठीक है, किस तरीके से कि ए वन इंटू एक्स प्लस बी वन इंटू वाई प्लस सी वन इंटू जेड, ठीक है, इज इक्वल टू डी वन, ठीक है। ए वन बी वन सी वन और डी वन क्या है यहां पर, कॉन्स्टेंट, ठीक है, और एक्स वाई जेड है वेरिएबल। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन ए टू एक्स, ठीक है, बी टू वाई प्लस सी टू जेड है डी टू के इक्वल, ठीक है, और लास्ट इक्वेशन हमारे पास ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इज इक्वल टू डी थ्री, ठीक है। इस तरीके से इसको इक्वेशन नंबर वन लेट कर लेते हैं, ठीक है, यहां पर। अब क्या हमारे पास कि वेरिएबल्स कितने हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है, और नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट है मतलब ए वन बी वन सी वन, ठीक है, और ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री तो है लेफ्ट हैंड साइड में, और डी वन डी टू डी थ्री है राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो कितने वेरिएबल यहां पर, वेरिएबल या फिर अननोन क्वांटिटी कितनी है, तीन, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो अब है लेट ए बी कोफिशियंट मैट्रिक्स, ठीक है, किस तरीके से जो ए मैट्रिक्स है, ठीक है, जो इनके कोफिशियंट है, वेरिएबल्स के कोफिशियंट है, एक्स वाई जेड के जो कोफिशियंट है, उनको ए मैट्रिक्स यहां पर लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्स का कोफिशियंट क्या, ए वन, यहां पर वाई का बी वन सी वन, इस तरीके से, ठीक है। फिर सेकेंड केस में क्या होगा, ए टू बी टू सी टू, ठीक है, कोफिशियंट ए थ्री बी थ्री और सी थ्री, इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से एक्स मैट्रिक्स है, ठीक है, एक्स मैट्रिक्स को लेट कर लेते हैं बी डी कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें एक ही कॉलम हो, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो, वन, ठीक है। एक्स बी डी कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन क्वांटिटी, ठीक है, या फिर वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स क्या क्या हमारे पास, एक्स वाई जेड, इस तरीके से, ठीक है। और लास्ट जो मैट्रिक्स लेट करते हैं बी मैट्रिक्स, ठीक है, ये भी क्या होगी, कॉलम मैट्रिक्स होगी, जो बी मैट्रिक्स को लेट किया बी दी कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ कॉन्स्टेंट, ठीक है, मतलब जो क्या हमारे पास कॉन्स्टेंट क्या है यहां पर, डी वन डी टू और डी थ्री, इस तरीके से, ठीक है। तो बी मैट्रिक्स को क्या लेट किया है, डी वन डी टू और डी थ्री, इस तरीके से, ठीक है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन को किस तरीके से राइट डाउन कर सकते हैं हम, फर्स्ट इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ठीक है, किस तरीके से कि ई एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू बी, मतलब ए इंटू एक्स मैट्रिक्स किसके बराबर हो गए, बी के, ठीक है। किस तरीके से, जैसे यहां पर मल्टीप्लीकेशन होगी, ठीक है, किस तरीके से करते थे मल्टीप्लीकेशन, रो बाई कॉलम मेथड से, ठीक है, मतलब इसकी रो यूज होंगी इसके कॉलम, ठीक है। यहां पर क्या मल्टीप्लाई होगी, ए वन इंटू एक्स और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लाई, ठीक है, ए वन इंटू एक्स प्लस बी वन इंटू वाई प्लस सी वन इंटू जेड, ठीक है, यही क्या हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या है, बी मैट्रिक्स, मतलब डी वन डी टू और डी थ्री, इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास कि सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन को कैसे डिफाइन करते हैं कि एनी सेट ऑफ वैल्यूज, ठीक है, ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, मतलब कि
वेरिएबल की कोई वैल्यू, ठीक है, उनका सेट, ठीक है, एक भी हो सकती है वैल्यू, दो भी, ठीक है, एन तक हो सकती है, ठीक है, तो एनी सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए, जैसे x माइनस वन जीरो के इक्वल है, ठीक है, तो ये x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो तो इक्वेशन हमारे पास, तो यहां पर x की वैल्यू क्या होगी, वन होगी, तो वन क्या है? इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, इस तरीके से जो रिजल्ट है, मतलब कि वैल्यू एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब जो वैल्यूज हमारे पास या फिर सॉल्यूशन, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है, वन भी हो सकता है, ठीक है, और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। अब इसके बाद है नेक्स्ट टर्म हमारे पास कि कंसिस्टेंट इक्वेशन, ठीक है, कंसिस्टेंट इक्वेशन कौन सी होती है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब जिस इक्वेशन का सॉल्यूशन सिर्फ एक होगा इस तरीके से, ठीक है, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, तो उसको क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास कि इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशंस, ठीक है, मतलब जिस भी इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन ना हो, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन ना हो, तो उसको कहेंगे इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर वन क्या थी हमारे पास कि एक्स किसके इक्वल होता है, बी के, ठीक है, अब इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, अब जैसे ए एक्स इज इक्वल टू बी है, इनवर्स कब फाइंड आउट होगा, इनवर्स की कंडीशन क्या थी कि जो मैट्रिक्स है, मतलब ए मैट्रिक्स, उसका डिटरमिनेंट क्या हो, नॉन जीरो या फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, ये बेसिक कंडीशन थी इनवर्स ऑफ स्क्वेयर मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। अब जैसे हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है, तो ए मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर, ठीक है, ए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स या फिर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ए का डिटरमिनेंट क्या है, नॉन जीरो, ठीक है। अब परी मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, ठीक है, ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा, अब हमारे पास ए इनवर्स से परी का मतलब पहले मल्टीप्लाई करेंगे, किस तरीके से, ए इनवर्स इंटू ए एक्स और यहां पर ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है। अब जैसे यहां पर ए एक्स है, ठीक है, इस तरीके से है, इसको क्या लिख सकते हम, ए इनवर्स इंटू ए और जो इनका रिजल्टेंट है इसकी एक्स से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है, क्यों लिख सकते हैं, जो मल्टीप्लीकेशन में रूल था हमारे पास, मल्टीप्लीकेशन में मैट्रिक्स के में क्या होता है कि एसोसिएटिव, ठीक है, मतलब ए बी सी तीन मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई, या तो ए बी की मल्टीप्लाई और इनका रिजल्टेंट और उसकी सी से मल्टीप्लाई, या फिर ए इंटू बी सी का रिजल्टेंट, ठीक है, इक्वल होते हैं। अब ए इनवर्स इंटू ए, ए इंटू ए इनवर्स या फिर ए इनवर्स इंटू ए किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है, और कोई मैट्रिक्स किस के मल्टीपल में है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, ठीक है, तो किसके बराबर होता है उस मैट्रिक्स के, मतलब एक्स किसके बराबर होगा, ए इनवर्स बी के, ठीक है। और एक्स को क्या लेट किया था हमने, एक्स कौन सी मैट्रिक्स थी, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, तो मतलब कि एक्स जो वेरिएबल होंगे एक्स वाई जेड, वो कैसे फाइंड आउट होंगे,
सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे और उन ए इनवर्स की मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।